नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। पिछले 3 दिनों से हम लगातार मध्य प्रदेश में चल रहे मंत्रिमंडल विस्तार की खबर पर फोकस कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि 3 दिनों से ये मामला क्यों फंसा है और अब अगर फंसा है तो इसका निराकरण क्या निकला है। आज टॉप स्टोरी में जानेंगे मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या खिचड़ी पक रही है भोपाल में। इसके साथ ही कुछ और खबरों पर होगी चर्चा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। तीन दिन से दिल्ली में डेरा डाले नरोत्तम मिश्रा भोपाल लौटे। एक्टिव मोड में नजर आ रहे नरोत्तम मिश्रा, नए चेहरों को मंत्री बनाने का सुझाव उन्हीं ने दिया। शिवराज सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार गुरुवार को, 10 पूर्व मंत्रियों को फिर से मंत्री बनाने पर संकट के बादल। अनलॉक के 1 माह गुजरने के बाद भी बसों के पहिए थमे, आम जनता और यात्री परेशान, सरकार सियासी गणित में उलझी। तो मध्य प्रदेश में अब सियासी ऊंट किस करवट पर बैठेगा ये गुरुवार को तय होगा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बात मंत्रिमंडल विस्तार पर नहीं अटकी है बल्कि इस पर अटकी है कि मंत्रियों की संख्या शिवराज खेमे से ज्यादा है या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से ज्यादा है या फिर बीच में लगातार उठापटक करने में जुटे नरोत्तम मिश्रा अपना कोई दांव चल रहे हैं। देखिए आज की इस खबर को। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार के पूर्व डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दिल्ली में 3 दिनों तक डेरा डाले रहे और अब वे वापिस भोपाल लौट आए हैं। 1 जुलाई को जब मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान की शुरुआत होनी थी तब स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भोपाल में नहीं थे। इस अभियान की शुरुआत के मौके पर उनकी गैर मौजूदगी सियासी गलियारों में कई तरह के चर्चाओं को जन्म दे रही है। कहा जा रहा है कि उनका पूरा फोकस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर है और मध्य प्रदेश में शिवराज और उनके बीच में एक अघोषित युद्ध भी चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जिस पसंदीदा सूची को शीर्ष नेतृत्व के खारिज किए जाने की बातें कही जा रही हैं, उस सूची को खारिज कराने में अहम रोल नरोत्तम मिश्रा का बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा ही चाहते हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार में नए चेहरों को मौका दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा दिल्ली में किन नेताओं से मिले और क्या बातचीत हुई इसका ब्यौरा फिलहाल सामने नहीं आ पाया है, लेकिन भाजपा सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों को शामिल करने की बात सामने आई है और ये सुझाव नरोत्तम मिश्रा का ही था। मिश्रा गृहमंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। शाह अपनी भोपाल यात्रा के दौरान हमेशा नरोत्तम मिश्रा के यहाँ ही भोजन के लिए जाते हैं। उधर शिवराज सिंह चौहान की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लंबी बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भोपाल लौटने के बाद मीडिया से रूबरू हुए और अपने बयानों के साथ ही सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे गए। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर अपना दर्द भी बयां किया। उन्होंने लिखा, आए थे आप हमदर्द बनकर, रह गए केवल राहजन बनकर। पल पल राहजनी की इस कदर आपने कि आपकी यादें रह गईं दिलों में जख्म बनकर। शिवराज का यह शायराना अंदाज कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। शिवराज ने यह भी कहा कि मंथन में अमृत निकलता है और विष निकलता है, लेकिन विष हमेशा शिव ही पीते हैं। उधर बुधवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली। उन्हें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एके मित्तल ने शपथ दिलाई। शिवराज गुरुवार को आनंदीबेन को नए मंत्रियों की लिस्ट सौंपेंगे। आखिरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का विस्तार गुरुवार को करने जा रहे हैं। परिवार के नए फॉर्मूले के तहत उनके सबसे खास विधायकों को वे अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर पाएंगे। बताया जा रहा है शिवराज सिंह की पिछली सरकार में मंत्री रहे रामपाल सिंह, संजय पाठक, राजेंद्र शुक्ल, विजय शाह, गौरीशंकर विसेन, पारस जैन, अजय विश्नोई, सुरेंद्र पटवा और विश्वास सारंग को इस बार मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है उनसे प्रदेश के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भाजपा कार्यालय में बुलाकर बातचीत कर रहे हैं। विजय शाह सबसे पहले भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कमलनाथ ने तंज कसा है। बोले, विष को तो अब रोज पीना पड़ेगा।
मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रहे मंथन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विष पीने वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मंथन इतना लंबा हो गया है कि अमृत तो निकला नहीं, सिर्फ विष ही विष निकला है। मंथन से निकले विष को तो अब रोज ही पीना पड़ेगा, क्योंकि अब तो कल से रोज मंथन करना पड़ेगा। उन्होंने ट्विटर पर अपनी बात कहते हुए शिवराज पर तंज कसा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश कार्यालय में सेवा दल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इतने समय बाद मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, इसका भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उन्होंने इससे पहले सेवा दल की बैठक में कहा कि सरकार जाने का दुख नहीं है, सरकार की योजनाओं को रोक दिए जाने का उन्हें मलाल है। और अब बात मध्य प्रदेश की एक बड़ी समस्या की। मध्य प्रदेश में 1 जून से ही अनलॉक का ऐलान कर दिया गया था और तमाम ग्रीन जोन वाले इलाकों में बसों के संचालन को भी अनुमति मिल गई थी। सरकार की अनुमति के मुताबिक बस संचालकों को आधी सीटों पर बसों में सवारियां ले जाने की अनुमति है और इन आधी सीटों को भरकर वे बसों का संचालन शुरू कर सकते हैं। लेकिन 1 महीने गुजरने के बाद भी प्रदेश के तमाम शहरों में बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। कई कारण हैं। बस यूनियन अपने मुद्दों को लेकर सरकार के सामने अड़ी है, लेकिन सरकार को मंत्रिमंडल विस्तार के चलते इस समस्या पर गौर करने का वक्त ही नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा खामियाजा आम जनता और वो लोग भुगत रहे हैं जिन्हें अति आवश्यक यात्राएं करनी है। देखिए आज की इस खबर को। मध्य प्रदेश की सरकार सियासी गणित में उलझी है, बसों के पहिए थमे हैं और आम जनता परेशान है। प्रदेश सरकार से अनुमति मिलने के बाद भी बस संचालन पूरे प्रदेश में ठप पड़ा है। इसका कारण डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी और कोरोना काल में हुए नुकसान के चलते पुराने किराए शुल्क हैं। इसके साथ ही बस यूनियन कोरोना कालखंड के 3 महीनों के टैक्स को माफ करने की जिद पर भी अड़े हुए हैं। बस एसोसिएशन का कहना है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रदेश में जो स्थितियां निर्मित कर दी हैं, उन स्थितियों में बसों को चलाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की गई है। इसके साथ ही अनलॉक का 1 महीना गुजरने के बाद भी बस संचालकों को कोरोना गाइडलाइन के तहत आधी सीटों पर ही सवारी बैठाने की अनुमति दी जा रही है। आधी सीटों के साथ बसों को चलाना संभव नहीं है। इसके अलावा गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर आधी सीटों से अधिक सवारियां बसों में पाई गईं, तो बस कंडक्टर क्लीनर के साथ साथ बस मालिक के विरुद्ध भी FIR दर्ज कराई जाएगी। अब ऐसे में बस मालिक कैसे अपनी बसों का संचालन शुरू करें? हम लोगों ने नियमानुसार वो फॉर्म भर के दिया। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय आपदा है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा है, और इतना सब होते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने आज तक पिछले 3 महीने के टैक्सेशन के बारे में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया। 2 प्रश्न उठते हैं, कभी कभी कंडक्टर या स्टाफ भी लालच में सवारियां बैठा लेते हैं। दूसरी बात, कभी कभी दबंग लोग जो आए दिन देखा जाता है, वो पुलिस के लोग जबरदस्ती गाड़ियों में बैठते हैं, उसको रोका आज तक नहीं, पहले नहीं रोक पाए, ना आगे रोका जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर मान लो 2 दबंग लोग बैठ गए, वो हमारी चेकिंग हो गई, तो क्या बस मालिक COVID-19 के केस में जेल जाएगा? हम जनसेवा करने को तैयार हैं, तैयार थे, तैयार रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि उसमें से हमारे और स्टाफ के खाने तक का तो बचता रहे। तो छतरपुर में लगभग 1 करोड़ के आसपास टैक्स जमा किया गया है, और जहाँ तक मेरे पास प्रदेश की जानकारी है, लोग बहुत से लोग टैक्स जमा नहीं कर पाए और कुछ लोगों ने कर्ज ले लेके किया है। वहीं गाड़ियाँ बंद होने से जहाँ यहाँ एक तरफ यात्रियों को परेशानी हो रही है, आवागमन में 1 की जगह 10 रुपये लग रहे हैं, वहीं हमारा स्टाफ कर्मचारी रोजी रोटी और रोज़मर्रा के खर्च के लिए हाहाकार कर रहा है। तो ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर सबको कोरोना से बचाए और यात्री की सुविधा प्राप्त हो। मेरे पास रोज़ 100 फ़ोन आते हैं, और निश्चित तौर पे जिनको आवश्यक जाना है वो 1 की जगह 4 रुपये देके या टैक्सी करके अनावश्यक का खर्च करके जा रहे हैं, और डीजल के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार
अपने खजाने भरने में लगी है, जनता तक वास्तव में कोई सहायता नहीं पहुंच पा रही। एक तरफ बस मालिक अपनी जिद पर अड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की जनता लुटने पर मजबूर है। छतरपुर जिले में पिछले 3 महीनों से बसों का संचालन बंद है। छतरपुर के बस स्टैंड पर पसरा ये सन्नाटा बस संचालकों के ही आर्थिक नुकसान की गवाही नहीं दे रहा, बल्कि यहाँ पलने वाले 400 से ज्यादा कारोबारी परिवार भी इसको लेकर दुखी हैं। बस स्टैंड के आसपास कारोबार कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले ये लोग बता रहे हैं कि बसों की आवाजाही बंद हो जाने से उनके धंधे पर भी बुरा असर पड़ा है। बसें ना आने से लोगों को परेशान हो रहे हैं, वो अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। कई लोगों को किराया जो है ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया जा रहा है, कई लोग भटकते रहते हैं और भी कई सारी परेशानियां हैं। कभी कोई मरीज वगैरह हो तो उसे जब कहीं जाना हो उस तरीके से सारी परेशानियाँ। दुकानदारी की तो हालत पूरी तरीके से है, मतलब कि पूरा स्टैंड का रोज़गार बस इससे चलता है। अब बसें नहीं हैं तो रोजगार भी ठप है। सारी दुकानों पे आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं ग्राहक नहीं मिलेगा आपको। बसों के संचालन के बंद होने का सबसे बड़ा खामियाजा गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। छतरपुर से झांसी तक की दूरी लगभग 125 किलोमीटर की है और इसके लिए लॉकडाउन के पूर्व तकरीबन 150 रुपया बस का किराया लगता था, लेकिन अब चूंकि बसें बंद हैं ऐसे में यात्रियों को अगर झांसी जाना है तो उन्हें निजी कार या टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है और ये लोग 250 से 300 रुपए वसूल रहे हैं। जी गांव में ना डाल रहा है और झांसी जाना है मेरे को। कितनी परेशानी आ रही है, कैसा किराया लग रहा है? जी किराया तो डबल चार्ज पे जा रहे हैं समझ लो, 130 रुपये किराया झांसी तक का है और 300 कहीं 250 रुपये इस हिसाब से जा रहे हैं। अब कितनी मांग रहे हैं? 300। हाँ यही सा मान लो। कितनी मांग रहे हैं? 300 रुपये। तो पहले से ज़्यादा लग रहा है कहीं? बिल्कुल ज़्यादा जायज है। किस चीज़ से बसें चल रही हैं, टैक्सी मनमर्जी किराया ले रही हैं क्या है? अब देखो जी बस तो चल नहीं रही है, टैक्सी हो ईको ऑटो जो मिल गया उसी पे चले हैं, मनमर्जी किराया ले रहे हैं। हाँ तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में यात्री बसों के संचालन पर किसी का गौर नहीं है और यही वजह है कि अनलॉक का 1 महीना गुजरने के बाद भी बसों के पहिए थमे हैं और आम जनता बुरी तरह से परेशान है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर पेज को लाइक कर लें ताकि खबरें आपको मिलती रहें। नमस्कार।